हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कान पेकी का ब्लांच फेशियल, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी डायरेक्टली फ्रॉम सलून। तो इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है ये वाली किट। अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके के कुछ पाउचेज वगैरह निकलेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ डिटेल में कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है और कितने स्टेप फेशियल है ये। तो इसके अंदर हमें मिलता है डर्मा सील ब्लांच का एल्कनाइन ड्रेंस, नेक्स्ट हमें मिलता है मिल्काना क्रीम क्लिंजर, नेक्स्ट हमें मिलता है एंजाइम माइक्रोफिलेंट, नेक्स्ट हमें मिलता है डर्मा केयर ड्रॉप्स, नेक्स्ट हमें मिलता है डर्मा केयर कंसंट्रेट, इससे नेक्स्ट हमें मिलता है अंडर आई जेल, इससे नेक्स्ट हमें मिलता है सोफले मास्क, एंड इसके बाद हमें मिलता है एल्गे का पावर मास्क, जिसके अंदर एक पैकेट में जेल है और एक पैकेट के अंदर पाउडर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आता है कान पेकी का ब्लांच फेशियल। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट फ्रॉम सैलून से इसको करने का सही तरीका। मिल्किना क्रीम क्लिंजर, एक आता है इसमें ये, और एक इसमें आता है एल्कलाइन रिंस। एल्कलाइन रिंस जो है वो बेसिकली अगर आप ऑयली स्किन पे यूज करो तो ज्यादा बेटर है, वैसे ये वाला क्लिंजर सही है, ये सेंसिटिव स्किन पे नहीं करना चाहिए एल्कलाइन रिंस। तो अब हम करने जा रहे हैं मिल्किना क्रीम क्लिंजर को। तो अभी अप्लाई कर रही हैं मिल्किना क्रीम क्लिंजर को। इसके अंदर, इस फेशियल किट के अंदर दो क्लिंजर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कौन सी स्किन के लिए क्या यूज़ करना है। तो सिंपली आपने इसको लगाना है, 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो हर फेशियल का फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो क्लिंजर का ही रहता है, कोई भी ब्रांड का हो। तो इसके अंदर भी जो है क्लिंजर ही दिया गया है। बेसिकली क्लाइंट जब बाहर से आएगा, धूप से आएगा, कई बार क्लाइंट ने मेकअप भी किया होगा, तो अगर आप कोई क्लाइंट का कर रहे हैं तो फेस क्लिंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिंजर हेल्प करता है डस्ट को हटाने के लिए, डर्ट को हटाने के लिए, स्किन के अंदर कई बार ऑयल सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, तो स्किन को एकदम यूथफुल बना देता है, क्लियर बना देता है। तो कोई भी फेशियल करने से पहले क्लिंजिंग का स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कंपनी अकॉर्डिंग टू देम क्लिंजर देती है। तो इसके अंदर क्रीम क्लिंजर दिया गया है, तो वही ये यूज़ कर रही हैं, अच्छे से मसाज कर रही हैं। मसाज स्टेप अभी आप देख सकते हैं, क्लिंजिंग का टाइम रहेगा 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपने वेट वाइप लेना है और अच्छे से फेस को क्लीन कर देना है, ताकि फेस जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। उसके बाद ही हम करेंगे सेकेंड स्टेप। तो ये हो जाता है इस वाले फेशियल का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड नंबर है हमारे पास एंजाइम माइक्रोफोलियंट, ठीक है, ये स्क्रब का काम करेगा। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं एंजाइम माइक्रोफिलेंट। तो अब ये करने जा रही हैं इस वाले फेशियल का सेकंड स्टेप, जो कि है एंजाइम माइक्रोफिलेंट का, जो कि इस स्क्रब का नाम है। सेकंड नंबर पे इस वाले फेशियल के अंदर स्क्रब दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है एंजाइम माइक्रोफिलेंट। तो ये जापनीज टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो इनके जो नेम्स हैं वो थोड़े ऐसे ही हैं, मतलब काफ़ी अलग नेम्स हैं इनके। और स्क्रब का मैं आपको बता दूं क्यों करते हैं हम, इसीलिए करते हैं हमारे स्किन के ऊपर जितनी डेड स्किन की लेयर जमी है वो हट जाए, डेड स्किन सेल हट जाए और स्किन जो है यूथफुल हमें नज़र आए। तो सिंपली आपने स्क्रब लेना है, स्क्रब लेने के बाद पूरे फेस पर लगा देना है और 2 से 3 मिनट मसाज करनी है। मसाज के प्रेशर का मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ही हल्के हाथों से चलाना है, मतलब आप देख सकते हैं फिंगर टिप्स यूज़ करिए, हथेलियाँ पाम वगैरह यूज़ नहीं करनी है आपको, फिंगर टिप्स यूज़ करनी है। प्लस हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में एंड अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट का टाइम रहेगा स्क्रबिंग का, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना करें। और मैं आपको कुछ बता देती हूँ फेशियल के बारे में, जैसे कि ये कान पेकी का ब्लांच फेशियल है, तो स्किन वाइटनिंग के लिए है। तो जिन लोगों को स्किन वाइटनिंग का शौक हो वो इसको करा सकते हैं। प्लस मैं कोई कलर के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर कुछ लोग जो होते हैं खुद ही इंटरेस्टेड होते हैं, वो चाहते हैं उनका स्किन जो है थोड़ी सी फेयर हो जाए, तो वो भी करा सकते हैं, नॉर्मल भी करा सकते हैं। तो मैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो है फेशियल आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, तो ऐसी कोई वो हो नहीं है कि मैं स्किन वाइटनिंग आपको दिखा रही हूँ या उसको प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे अलग अलग टॉपिक्स पे बनाने ही पड़ते हैं।
मेनली आप देख सकते हैं मसाज पे ध्यान दे सकते हैं, जो कर रही हैं इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फुल एक्सपर्ट हैं, इनकी मसाज जो है ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल है। ये एंटी एजिंग मसाज दे रही हैं, हल्के हाथों से मसाज दे रही हैं, बहुत ज़्यादा फेस को रगड़ नहीं रही हैं। यही जो होता है बेस्ट चीज़ रहती है फेशियल के अंदर, रगड़ रगड़ के थपथपाने वाली मसाज ना दें, स्क्रब के अंदर तो खासकर ना दें। ज़्यादा तेज अगर आप रगड़ोगे तो आपके स्किन के अंदर जो है इरिटेशन होने लग जाएगी, रैशेज आने लग जाएंगे। तो बिल्कुल ही हल्के हाथ यूज़ करने हैं, और जो स्टेप ये आपको दिखा रही हैं आप इसको सेम फॉलो कर सकते हैं। ऐसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मिलने वाला है प्रोफेशनल रिजल्ट। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इन्होंने स्क्रब कर दिया है, काफ़ी कम स्क्रब आपको दिख रहा होगा। 2 से 3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, वेट वाइप लेना है, उससे स्किन को जो है क्लीन कर देना है। तो अच्छे से आप क्लीन करेंगे, एक भी जो है पार्टिकल जो है बचना नहीं चाहिए स्किन के ऊपर। प्लस मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्रब ये नहीं था, कुछ स्क्रब जो होते हैं पत्थर टाइप होते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं था, काफ़ी सॉफ्ट स्क्रब था इसका। और रिजल्ट आप देख सकते हैं, स्किन को काफ़ी अच्छे से इसने क्लीन किया था। तो जस्ट स्क्रब करनी है 2 से 3 मिनट हल्के हाथों से, उसके बाद वेट वाइप से आपने क्या करना है, फेस को क्लीन कर देना है। क्योंकि स्क्रब के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो करने वाले हैं ब्लैकेड एंड व्हाइटेड रिमूवल का। तो आप देख सकते हैं साफ कर दिए इन्होंने स्किन को, इसके बाद ये ब्लैकेट स्ट्रिप ले रही हैं, तो ये प्रोफेशनल है। अगर आपको इस तरीके से ब्लैकेट व्हाइटेड निकालने आते हो तभी आप इस वाले स्टेप को ट्राई करें, एल्स आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अनड्राई जेल, जो अनड्राई भी लगेगी, और इसके साथ ही है ये माइक्रो कैप्सूल्स डर्मा केयर ड्रॉप्स। इन इसको हम खोलेंगे और इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद अनड्राई जेल के साथ और क्रीम मसाज के साथ इसको मिक्स करके हम मसाज करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। ये हमने खोल लिया है, ये भी हमने इसमें बाउल में डाला है। हम सारा एक बार में नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। अब हम इसको किसी चीज़ से पीस लेंगे, जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसी का क्लीन करके इसी से ही इसके पीसेस को ऐसे से पीस लिया। इसको आप इकट्ठा चाहे थोड़ा आधा पीस के रख सकते हैं, क्योंकि ये पैक अनड्राई जेल और क्रीम मसाज तीनों में साथ साथ लेके यूज होगा। इसी तरह आपको ये सारा निकाल के इस तरह पीस के यूज करना है। तो अब आप देख सकते हैं इन्होंने अंडर आई जेल को अंडर आई एरिया के अंदर लगा दिया है। अब ये वो वाले मिक्सर को फिंगर टिप्स पे लेने हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। लेने के बाद ये मसाज देंगी अंडर आई एरिया के अंदर। बेसिकली ये स्टेप उन लोगों के लिए है जिन लोगों को डार्क सर्कल हो सकता है। कई क्लाइंट ऐसे भी आए जिनके डार्क सर्कल हो ही ना, तो वो भी मसाज ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। पर ये बेसिकली बनाया गया है डार्क सर्कल को रिड्यूस करने के लिए। प्लस आप आई एरिया की मसाज देख सकते हैं, हल्के हाथों से मसाज देनी है आपको, सर्कुलर मोशन में देनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में देनी है। प्लस प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लाइट वेट मसाज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दम और प्रेशर ना लगाएं आई एरिया के ऊपर। प्लस मैं आपको बता दूं, जो अंडर आई एरिया के डार्क सर्कल, अगर मैं बात करूं कि आप बोलो कि क्या हम ये कराएंगे तो हमारे डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको इसकी 4-5 सिटिंग्स लेनी होंगी। एक ही बार में आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और मैं फेक रिव्यू या फेक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। मसाज के स्टेप्स अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से दे रही हैं ये, तो सेम स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे मसाज दे रही थी ये, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी हैं ये। प्लस मैं आपको बता दूं, जो अंडर आई एरिया की मसाज है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दी जा सकती। कहीं ऐसा ना करें आपको लगे कि डार्क सर्कल हट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाज दे दें। मैक्सिमम मसाज का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 to 3 मिनट्स, वो भी हल्के हाथों से। तो फर्स्ट स्टेप मसाज के अंदर अंडर आई को लेकर इन्होंने दिया है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मसाज देनी है आपको और कितनी देर देनी है, सब टाइमिंग आपको बता रही हूँ। की बात है ये करेक्शन कॉम्प्लेक्स क्रीम, जिससे फेस मसाज करेंगे प्लस इसको एड ऑन करके। तो अंडर आई एरिया में मसाज देने के बाद बात आ जाती है फेस मसाज की, क्योंकि फेस मसाज हर फेशियल के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर दी गई है
करेक्शन कम्प्लेक्स क्रीम, जो कि बेसिकली वर्क करते हैं कम्प्लेक्शन के ऊपर। तो बेसिकली ये फेस्टिवल बनाया गया है जिन लोगों का डार्कर स्किन टोन होता है, जो लाइटर टोन में जाना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया है। और ये क्रीम हेल्प करती है आपके कॉम्प्लेक्शन को करेक्ट करने के लिए, उसको लाइटर करने के लिए इसको लगाना है। प्लस मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर मिक्स आप नहीं करेंगे। जितनी क्रीम आपको दी गई है उसी को आपने यूज़ करना है, अच्छे से हैंड्स को चलाना है जब तक ये स्किन के अंदर चली ना जाए, तभी ये जो है अच्छे से वर्क करेगी जब ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी। मसाज के स्टेप आप देख सकते हैं, मैं बार बार सेम चीज़ें नहीं बोल सकती, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस तरीके के स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मसाज दे रही हैं, ये एंटी एजिंग मसाज दे रही हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से दे रही हैं। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% ना सही तो 60-70% तो आपका प्रोफेशनल रिजल्ट आ ही जाएगा। ये जितनी मसाज दे रही हैं, बेसिकली ये झुर्रियों को काटने वाली मसाज है। तो इस तरीके से आप देंगे तो इससे क्या होता है, झुर्रियाँ जो हैं आने भी वाली होती हैं तो आती नहीं है, एक तरीके से कट डाउन कर रही हैं। इनके स्टेप आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मसाज देनी है। और मसाज का टाइम मैं आपको बता दूं, क्रीम मसाज का जो टाइम रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 5-7 मिनट्स। बहुत ज़्यादा नहीं देनी है आपको, यंग स्किन है तो बिल्कुल नहीं देनी है। और अगर आपके पास कोई यंग स्किन नहीं आती है तो मैक्सिमम 10 मिनट्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मसाज ना दें क्योंकि ऑलरेडी ये फेशियल काफ़ी लंबा है। एक हमारे पास आता है, देखिए ये है डर्मा का कैनपे की कंसनट्रेट क्रीम मसाज जेल, और उसके साथ हम इसकी भी ड्रॉप्स लेंगे और ये भी हम फेशियल क्रीम के साथ डाल डाल के मसाज करेंगे। तो अभी आपने देखा, सबसे पहले हमने जो है अंडर आई एरिया के अंदर मसाज दी अंडर आई जेल के साथ, उसके बाद हमने यूज़ की करेक्शन कम्प्लेक्स क्रीम, पूरे फेस पे मसाज दी। एंड थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, कंसेंट्रेट को मिक्स कर दिया इन तीनों में, इन तीनों के मिक्सचर के अंदर, और अब दे रहे हैं पूरे फेस पर मसाज। तो इसी तरीके से आपने भी करना है। प्लस मैंने इस किट का रिव्यू किया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं किट कहाँ से मिलेगी, तो अगर आपको ये किट लेनी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टा की आईडी दे दूंगी। क्योंकि ये जो किट है प्रोफेशनली मिलती है, ये इजीली आपको बाहर या कोई वेबसाइट पे नहीं मिलने वाली है। तभी मैं आपको ये सलून से फेशियल दिखा रही हूँ, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये प्रोफेशनल फेशियल है बेसिकली, और किट भी इजीली अवेलेबल नहीं है। और जिन लोगों के पास है और जिनको कोई डाउट है फेशियल कैसे होगा, तो वो तो ये मेरी वीडियो देख सकते हैं और इस तरीके से फेशियल कर सकते हैं। तो तीन तरीके की मसाजें दी गई थी इसके अंदर, अंडर आई के लिए अलग दी गई थी, फेस के लिए अलग दी गई थी, और बाद में कंसेंट्रेट मिक्स करके अलग दी गई थी। तो तीनों मैंने आपको दिखा दी हैं, किस तरीके से करनी है स्टेप भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हल्के हाथों से एंड अपवर्ड डायरेक्शन में ये करें आप, तो इसी के साथ हो जाते हैं हमारे मसाज स्टेप कम्प्लीट। तो अभी ये करने जा रही है इस वाले फेशियल का नेक्स्ट स्टेप, जो कि है सूफले मास्क का। तो इसके अंदर दो मास्क दिए गए हैं, एक दिया गया है पावर मास्क, जो कि मैं इस स्टेप के बाद आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले इसके अंदर सूफले मास्क भी दिया गया है। तो सूफले मास्क को आपने लेना है, अच्छे से आपने पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर देना है और इवन लेयर लगानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के प्रोडक्ट लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना है। आपने एक इवन लेयर लगानी है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी लगाओगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आपने पूरे फेस को कवर करना है। और आई एरिया के ऊपर आप बिल्कुल भी ना लगाएं, और अंडर आई एरिया पे भी ना लगाएं, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि अंडर आई इसके अंदर जेल दी गई है, तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी दिया गया है। तो आप जो है आई एरिया को अवॉइड करें, बाकी पूरे फेस पर आप लगा सकते हैं एंड नेक को भी आप कवर कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, आपने अच्छे से फैलाना है और इवन लेयर में फैलाना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट थप थप के। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जो लास्ट लेयर होती है, जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा इवन लेयर लगाई है, तो जो लास्ट लेयर होती है उसी पर डिपेंड करता है रिजल्ट। तो बहुत मोटी आप लगाओगे तो पपड़ी टाइप जम जाएगी, तो उसका रिजल्ट आपके फेस पर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो आप जो है हल्की मतलब पतली लेयर लगाएं जितना हो सके। कभी भी किसी भी फेशियल में अगर आप मास्क लगाते हैं तो पतली लेयर ही आप लगाएं। तो सूफले मास्क जो है आप देख सकते हैं लग चुका है, ये जहाँ जहाँ नहीं लगा चेक कर रही हैं और वहाँ वहाँ इसको स्प्रेड कर रही हैं। लगाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है जब तक ये सूख नहीं जाता, और 100%
परसेंट आपको मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 80-90% भी आपका सूख जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी उतारने का तरीका। तो आप देख सकते हैं सूख गया था, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती तो मैंने नहीं दिखाया। और किस तरीके से उतारना है, हल्का हल्का पानी लेना है और उसके बाद आपने मसाज करते रहना है। तो हल्का हल्का वाटर लेना है एंड मसाज करते रहना है ताकि जितना भी मास्क है वो उतर जाए। और मसाज के आप स्टेप देख सकते हैं किस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ये दे रही हैं, और इनकी मसाज जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद आपने वेट वाइप लेना है, वेट टिश्यू लेना है, उससे पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्लीन कर रही हैं। तो ये हो जाता है हमारा सूफले मास्क का स्टेप कंप्लीट। अब हम लगाएंगे डिटॉक्सिफाइड पैक, जैसे नाम से ही पता है, ठीक है। इसमें एक जेल है और एक पाउडर है, दोनों को हम ऐसे कट करके बाउल में डालेंगे और मिक्स करके लगाएंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पावर मास्क, एलगे पावर मास्क, जो कि बनेगा एक्टिवेटर जेल एंड एक्टिवेटर पाउडर के साथ, तो जो कि एक डिटॉक्सिफाई मास्क भी है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर ही एक्टिवेटर जेल एंड एक्टिवेटर पाउडर को निकालेंगे और अच्छे से हैंड से मिक्स करेंगे। तो अभी इन्होंने जेल निकाली है, अब जेल का टेक्सचर देख सकते हैं इस तरीके का है, इसके अंदर कुछ वाइट वाइट भी मिक्स था, मैं आपको क्लोजअप लुक में दिखा रही हूँ। ये है इसके एक्टिवेटर जेल जो कि पावर एल्गे मास्क की है, और एक इसके अंदर आता है पाउडर। तो आप देख सकते हैं अभी ये पाउडर को जो है डाल रही हैं, इसके बाद अच्छे से आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो मिक्स करने के लिए अपने फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ये कर रही हैं, नहीं तो आप स्पैचुला भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो। तो अच्छे से मिला लेना है ताकि मिक्स हो जाए और एक रबड़ का फॉर्म ले लें। तो अभी आप देख सकते हैं फेस पे अप्लाई कर रही हैं, यही है इस फेशियल का लास्ट स्टेप। ये जो पावर मास्क था, मैं वॉइस ओवर करूँ तो आपको बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा सूथिंग था। तो किस तरीके से अप्लाई करना है आप देख सकते हैं, इसमें जो लेयर है ये भी इवन लगनी चाहिए, थोड़ा सा मोटा होता है, रबर टाइप होता है, बट काफ़ी अच्छा लगता है इसको लगा के। प्लस मैं आपको बता दूँ इसकी बेनिफिट, मतलब इस वाले पैक का बेनिफिट ये है कि आप आइज़ भी कवर कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से मेरी आइज़ जो हैं कवर कर दी हैं। डिपेंड करता है अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं, आप कोई पार्लर वाले हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्लाइंट से पूछें अगर उनको आइज़ में कोई इरिटेशन नहीं है। कई बार कुछ लोगों को आइज़ में इरिटेशन होती है, उनकी आइज़ होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कोई इशू होता है तो वो नहीं लगवाना चाहते, तो आप खुद ना लगाएं, पहले उनसे पूछें। मेरे आइज़ के अंदर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा सकती हूँ, मैं काफ़ी फेशियल कराती हूँ जिसके अंदर ऐसे रबड़ मास्क होते हैं, तो मैं लगवा लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होता है। तो आप देख सकते हैं फेस पे जो है इन्होंने लगा दिया, अब ये नेक पे लगा रही हैं। इसको लगाने के बाद आपने छोड़ देना है एटलीस्ट 20-25 मिनट के लिए, मतलब ड्राइंग टाइम डिपेंड करता है आपका, 15-20 मिनट में भी सूख जाता है, तो जब तक ये सूखता नहीं है तब तक आपने इसको छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं ये लग चुका है, कितना ही अच्छा लग रहा है ये। एंड नोज़ एरिया आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपने नहीं अप्लाई करना है, वहाँ पर आपने छोड़ देना है। तो इन्होंने छोड़ दिया है 15-20 मिनट के लिए, अब ये सूख चुका है। अभी आपको निकालने का तरीका दिखा रही हैं किस तरीके से ऊपर से निकालना है। तो हमेशा कभी भी रबड़ मास्क, एल्गे मास्क जब भी उतारें आप ऊपर से ही उतारें, कभी भी नीचे से ना उतारें। प्लस मैं आपको बता दूं इसको उतारते वक्त बहुत रिलैक्सिंग लगता है, कोई भी बाल वगैरह नहीं खींचता, दर्द वर्द कुछ नहीं होता, ये बालों को नहीं खींचता, बहुत सॉफ्ट था, रबड़ की फॉर्म ले ली थी सूखने के बाद, पूरी फेस की फॉर्म ले ली थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उतार रही हैं, बहुत ही ईजिली उतर रहा था, ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का निकला ये। एंड इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपने फेस का रिजल्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है, स्किन कोई भी रेड नहीं हुई, कोई इरिटेशन नहीं हुई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्किन जो है निकल के आई है। तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे प्रोफेशनल फेशियल्स हैं, लोटस के, कस्मारा के, O3 के, तो अगर आपने देखने हो तो वो भी जाकर देख सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ना कि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं तो अपडेट आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।